तो BMCM का मंडे का कलेक्शन देखने के बाद इट्स एन क्लियर कट प्रूफ एंड इट्स अ क्लियर कट डिक्लेरेशन कि ये फिल्म इंडिया की टॉप 3 डिजास्टर फिल्म के अंदर आने वाली है। बिकॉज नंबर वन में अगर किसी का रैंकिंग के अंदर में नाम है तो आदि पुरुष है, बिकॉज 700 करोड़ के बजट में बनने के बाद फिल्म ने लाइफ टाइम कलेक्शंस इंडिया के अंदर सिर्फ 250 करोड़ किया है। ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस की बात करो तो उसका रिकॉर्ड तो शायद मेरे को नहीं लग रहा आने वाले 10-15 साल के अंदर कोई फिल्म तोड़ पाएगा। सेकंड नंबर के अंदर में मेरे को ऐसा लग रहा है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, बिकॉज उसका भी बजट लिटरली 350 करोड़ के आसपास था। नो, सेकंड नंबर पर यही आ गई है, BMCM आ गई है, बिकॉज BMCM का बजट लिटरली 300 करोड़ के आसपास है, 300 से 350 करोड़ के आसपास है। एंड ये फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शंस मैक्स टू मैक्स 70 से 80 करोड़ के अंदर में समाप्त होने वाला है। हाँ, फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि 500 करोड़ क्लब के अंदर एक टट्टी एक सड़ेली फिल्म है, उससे तो बेटर थी। बट क्या है कि आप स्टार वैल्यू ही आप अपना इतना गिरा देते हो कि आप मतलब आप हर 15 घंटे के अंदर आप पब्लिक के सामने स्क्रीन पर आम चूसना है गुठली चूसना है सब करके आते हो, तो पब्लिक क्या है कि पब्लिक का आपका स्टार वैल्यू पब्लिक एक बार कम कर देती तो आप कितनी भी अच्छी फिल्म बना दो, राम सेतु जैसी एक एक्सपेरिमेंटल क्लासिक फिल्म भी बना दो तो भी आपकी फिल्म डिजास्टर होनी तय है। तो वो सिचुएशंस वो इतना आसानी से वो काम करेगा नहीं वो आपके लिए। तो एज ऑफ नाउ BMCM इज अ क्लियर कट वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, बाय आई थिंक लॉस इसमें कितना है, अगर 70 करोड़ कर भी लेती तो इसका बजट 300 से 350 करोड़ है। देन ऑल्सो इसका टोटल कलेक्शंस के हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो भी इस फिल्म का टोटल लॉस 230 करोड़ के आसपास है भाई। जस्ट इमेजिन करो 230 करोड़, इतने में एक बड़ी फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी, पूरी की पूरी पठान फिल्म बनकर इसमें तैयार हो गई 200 करोड़ के बजट की। तो आई थिंक स्टार वैल्यू अपने आपने टोटली ख़त्म कर दिए, रीमेक्स कर रहे हो, टैलेंट होने के बावजूद आप कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो, आप विलन के लिए ट्राई करो भाई। मैं ऐसा समझता हूँ, मैंने वो मूवी देखी थी अजनबी इस बंदे की, मैंने उतना खूंखार विलन एक सुपरस्टार को, बहुत रेयर सुपरस्टार्स है जैसे कि शाहरुख खान है और 2-3 सुपरस्टार्स होंगे जो इतना खूंखार विलन का मतलब कैरेक्टर प्ले करते, तो उसमें से ये बंदा भी था। मैंने वो अजनबी मूवी के बाद मैं बोल रही कि ये बंदा ट्राई ही नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सीधा उठा रहा है जेब भर रहा है बस, इसको मतलब नहीं मैं क्या फिल्म दे रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ जल्दीबाजी में है, ये कुछ अर्जेंसी में है, कुछ काम करके कुछ तय वय करके ख़त्म करके फिनिश करना चाहता है। तो आई डोंट नो, तो उसका ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दूसरा वाला तो छोड़ दो, वो मुझे पता था जब ये सारी फिल्में सब हिट होती तो मुझे पता था एक टाइम आएगा जब पब्लिक ये सारी फिल्म ये सब जो पैंट हिलाना कमर हिलाना छाती हिलाना ये सारे हिलाना वाले लोगों सबको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर चुकी होगी थिएटर में सिर्फ चलेगा कंटेंट, दैट इज़ द थिंग। तो आज वही चल रहा है जिसको अपन बहुत साल से मैं वीडियो बना कर बोलता हूँ ये फिल्म नहीं चलेगी, कंगना रनौत डिजास्टर होने वाली है। कंगना रनौत का उस टाइम पे 100 करोड़ सब मूवी आ रही थी, तभी मालूम है ये जो हरकतें कर रही है ये आने वाले 10 साल के अंदर में इसका फाट टोटली लग जाएगा पूरा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये लोग कुछ टाइम के लिए ये और थी ना वो स्केलेटन क्या नाम था यार उसका, रोहतगी समथिंग कुछ, हाँ वो भी कुछ अपने आप को अच्छा व्यूज़ बना रही थी, आज उसका पूरा का पूरा चैनल टोटली ख़त्म हो गया। एक और था यूट्यूब में ही था वो, क्या सुशांत सिंह का फोटो बगल लगा के अच्छा बेटिंग ऐप सब प्रमोट करता था, बगल में सुशांत सिंह का फोटो लगा के 7 लाख सब्सक्राइबर ले लिया उसने, वो भी टोटली। तो ये लोग चंद टाइम के ये लोग बट टैलेंटलेस लोग हैं ये लोग। बट अक्षय कुमार का एक चीज़ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ही हैज़ एबिलिटी, ही हैज़ टैलेंट, सब कुछ है भाई बंदे के अंदर ना, नो डाउट। बंदे को सिर्फ और सिर्फ अपना स्टार वैल्यू को मेंटेन करना है, कुछ टाइम का गैप दे दो, 3 साल का गैप दे दो, 3.5 साल का, 3 साल का, अरे थोड़ा ठीक है यार इतना पैसा कमा लिया तो ठीक है थोड़ा सा गैप दे दो अपने, बिकॉज बाकी लोग इस उम्र में, अभी सलमान खान का भी कमबैक हो जाएगा बिकॉज मेरे को पता है इंशाल्लाह बन रही है संजय लीला भंसाली के साथ भाई, वो फिल्म कैसी भी बन जाओ वो फिल्म ईजिली 200 करोड़ पार कर देगी। और मेरे को मुर्गा दास की फिल्म का पता नहीं, बिकॉज आई नो साउथ डायरेक्टर के साथ मैं बहुत ज़्यादा मुझे पता है आइडिया है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं, बट SLB के साथ अगर फिल्म टाइगर वर्सेस पठान भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो सब फिल्म कलेक्शंस कर लेगा। और शाहरुख खान का तो भूल ही जाओ, ऋतिक रोशन देख लो वॉटू, तो दिस इज ही इज़ द ओनली सुपर, और अजय देवगन भाई वो बीच में आता है 100 करोड़ करके निकल जाता है, तो ही इज़ द ओनली स्टार जिसको कमबैक की भी राइट नाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपने एक लोड़े साथ, तब तक के लिए।